हेलो बच्चों वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड टेंथ एल्जिब्रा का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 4.1 का लेक्चर वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको पहले चार क्वेश्चन और जीएसटी के बेसिक्स सिखाए थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए उसका लिंक यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आ जाएगा उस पर क्लिक कीजिए आपको वो वीडियो मिल जाएगा वो वीडियो देखने के बाद ही आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आपको आगे के क्वेश्चंस इजी लगेंगे चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है इसका कारण है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो बेसिक्स से शुरू करो ये चैप्टर के क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे चलो शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल कार इज रुपीज वन सेवन सेवन जीरो याद रखो टोटल वैल्यू बोला है विथ जीएसटी मतलब एक कोई तो वैल्यू थी उसके ऊपर जीएसटी जो कुछ तो लगा और वो मिला के आया वन सेवन सेवन जीरो जो कुछ तो होता है वो क्या होता है जिसके ऊपर जीएसटी लगता है उसको क्या बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू ठीक है टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया है आपको जीएसटी भी नहीं दिया है बट बोला है कि ये दोनों को मिला के जो टोटल वैल्यू आता है वो है वन सेवन सेवन जीरो रेट ऑफ जीएसटीन परसेंट ऑन टॉयज तो जीएसटी का रेट दिया है याद रखना ये रेट नहीं है ये जीएसटी कितना लगेगा पैसे में रुपीज परसेंटेज तो दिया है ठीक है तो जीएसटी का रेट दिया हुआ है फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड फॉर दिस टॉय का ठीक है एक बार जीएसटी निकल गया तो आपको पता है सीजीएसटी और एस तो आधा आधा निकल जाएगा एकदम ईजी टैक्सेबल वैल्यू भी निकालना है ये वाला ठीक है दिया क्या क्या आपको एक वन सेवन सेवन जीरो दिया है और आपको जीएसटी का रेट दिया है अठारह परसेंट टॉयज के ऊपर एटीन परसेंट टैक्स टॉइस तो एसेंशियल चीज है बच्चों को तो लगता ही है ना टॉइस कम होना चाहिए जीएसटी चलो वो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो अपने को पहले टैक्सेबल वैल्यू चाहिए था टैक्सेबल वैल्यू तो दिया नहीं है तो अपन बोलेंगे भाई टैक्सेबल वैल्यू को ले लेते हैं अपन एक्स ओके okay. अब मुझे बताओ जब मैं बोल रहा था कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का वैल्यू क्या है वन सेवन सेवन जीरो है ना टोटल वैल्यू मतलब क्या टैक्सेबल वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो जीएसटी भरा वो मिला के आपको मिलता है टोटल वैल्यू तो मैं बोल सकता हूं कि भाई टैक्सेबल वैल्यू एक्स प्लस जीएसटी शुड बी इक्वल टू तो वन सेवन सेवन जीरो होना चाहिए जी ना ये अब ये एक्स तो ऐसे ही रखो जीएसटी क्या है जीएसटी है अठारह परसेंट खाली अठारह परसेंट नहीं होता अठारह परसेंट किसका अठारह परसेंट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी तो टैक्सेबल वैल्यू को लगता है तो अपन बोलेंगे अठारह परसेंट ऑफ एक्स बच्चों मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक कर देंगे यहां पे लिख देंगे अठारह परसेंट ठीक है तो पूरी बैंड बच जाएगी तुम्हारी जैसे अगर मैं आपको बोलूं हंड्रेड प्लस 18%, तो अगर दिमाग नहीं लगाया तो आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे अरे हंड्रेड प्लस एटीन हंड्रेड एंड एटीन कर देते हैं या आएगा आंसर या फिर अच्छा इधर परसेंट है परसेंट का साइन तो बहुत अच्छा दिख रहा है सुंदर है इधर भी डाल देते हैं ये रॉन्ग है भाई अठारह परसेंट किस चीज का वो भी तो इंपॉर्टेंट है तो ये आप दोनों ऐड नहीं कर सकते इट इज लाइक एडिंग मैं आपको बोलूंगा 18 किलोमीटर में पांच लीटर पानी डालो बताओ कितना मिलेगा अबे किलोमीटर डिस्टेंस में पानी डालोगे कैसे मतलब क्या पूछ रहा है भाई तो ये ऐसा ही है ठीक है ये एक नॉर्मल नंबर है और ये परसेंटेज है दोनों अलग चीज है ठीक है तो ये अपन इरेज कर देते हैं और अब देखते हैं ये एटीन परसेंट किस चीज का एटीन परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू पहले चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है और ये इक्वल टू जो है वो तो सेम आएगा नीचे करेक्ट तो यहां पे वो मैंने लिख दिया अब एटीन परसेंट ऑफ एक्स तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना मैं बोल सकता हूं अठारह अपॉन हंड्रेड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई मतलब और ये एक्स इक्वल टू वन सेवन सेवन जीरो मल्टीप्लाई वाला, वाला साइन है और ये एक्स वेरिएबल है इसलिए हमेशा कर्सिव राइटिंग वाला एक्स बनाने का इधर आपने ऐसा एक्स डाला तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क् कर दोगे फिर या फिर समझ में नहीं आएगा क्या है दोनों मल्टीप्लाई का साइन है ठीक है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो नेक्स्ट स्टेप में आप बोल सकते हो फॉर कितना होता है एटीन एक्स तो ऊपर आ जाएगा हंड्रेड एक्स प्लस एटीन एक्स कितना आएगा हंड्रेड एंड एटीन एक्स और नीचे आएगा वन इन टू हंड्रेड विच इज हंड्रेड तो मुझे मिलेगा देर फॉर हंड्रेड एंड एटीन एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू वन सेवन सेवन जीरो मैं रफ में कर रहा हूं इसको फेयर में करके बताऊंगा आपको थोड़े स्टेप्स कम लिखेंगे रफ में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ इसलिए स्टेप्स हमेशा ज्यादा होते हैं अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स को उधर अकेला रहने दो और ये हंड्रेड एंड एटीन और हंड्रेड को वहां पर फेंक दो तो ये हंड्रेड यहाँ पे नीचे वहां जाके ऊपर जाएगा यहां पे ऊपर है वहां जाके नीचे जाएगा तो आपको मिलेगा हंड्रेड एंड एटीन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी समझ में आया कैलकुलेशन का टेंशन मत लो कॉन्सेप्ट समझो कि सिर्फ ये चीज दी थी आपको ठीक है इसमें से आपने ये पूरा मस्त सॉल्व करके x निकाल लिया और एक बार x मिल गया उसके बाद तो जीएसटी निकालना कितना ईजी है जीएसटी इज वॉट

आ जाएगा टू एट सिक्सटीन सेवेंटी आया टू सिक्सटीन फिर वन बचा टू फाइव अब ये फिफ्टी नाइन तो प्राइम नंबर है ठीक है मतलब अगर इसका सिंपल आंसर आना है तो फिफ्टी नाइन के टेबल में फिफ्टी नाइन को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है फाइव चाहिए ना तो लास्ट में फाइव के नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिफ्टी नाइन को अपन फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं देखो फिफ्टी नाइन फाइव क्यों नहीं चेक किया बिकॉज मुझे पता है फिफ्टी नाइन फाइव तो बहुत छोटा आएगा फिफ्टी नाइन टेन जार ही फाइव नाइनटी होता है अपने को फाइव तो काफी बड़ा नंबर चाहिए ना एट एटी फाइव चाहिए इसलिए मैंने ये चेक नहीं किया अभी फिफ्टी नाइन टू फिफ्टीन चेक करते हैं ठीक है फिफ्टीन नाइन हज़ार वन थर्टी फाइव फिफ्टीन फाइव हजार सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव प्लस मतलब 85 3, आ जाता है देखो एट एटी फाइव आ रहा है ना तो नेक्स्ट हम लोग ये कट कर देंगे फिफ्टी नाइन वन हजार और ये हो जाएगा फिफ्टी नाइन हजार ठीक है और फिफ्टीन इंटू हंड्रेड क्या हो जाएगा फिफ्टीन इंटू हंड्रेड हो जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड खत्म एक्स मिल गया आपको एक्स क्या था अपना एक्स पॉज नथिंग बट टैक्सेबल वैल्यू तो टैक्सेबल वैल्यू आपने निकाल दिया फिफ्टीन हंड्रेड अब उसने पूछा सी जी एस टी एंड एस जी एस टी कितना है देखो अगर सी जी एस टी एस जी एस टी निकालना है तो आपको पहले जीएसटी निकालना पड़ेगा ठीक है पर जीएसटी तो पूछा ही नहीं है यार तो क्यों निकालू फालतू में जीएसटी मुझे पता है जीएसटी का रेट एटीन परसेंट है तो सी जी एस टी और एस जी एस टी का रेट क्या होगा आधा आधा ना तो मैं बोल सकता हूँ ये भी नाइन परसेंट और ये भी नाइन परसेंट ट किसका नाइन परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू तो टैक्सेबल वैल्यू तो हमने निकाल लिया तो नाइन परसेंट ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड निकाल लेंगे ऑफ मतलब क्या नाइन परसेंट मतलब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी ठीक है और वो जो भी वैल्यू आई दैट बी सी जी एस टी एज वेल एज एस जी एस टी दोनों सेम होता है राइट right? तो ये हमारा बहुत ही इजीली काम बन जाएगा ठीक है तो ये तो मैंने रफ में आपको बता दिया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला लाइन बस ये लाइन एक बार समझ में आ गया ना तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा पहले चार क्वेश्चन जीएसटी या टैक्स जो है वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू लगता है और टोटल वैल्यू टोटल प्राइस कैसे निकलती है जो भी टैक्सेबल वैल्यू है प्लस उसके ऊपर जीएसटी ऐड करके हम टोटल वैल्यू निकालते हैं अगर आपको याद नहीं है तो एक बार इनवॉइस दिखाता हूं आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया था अगर पहला लेक्चर देखा है तो आपको ये याद होगा कि जब उसने पेड़े लिए थे टू हंड्रेड रुपीज के तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था ये वाला और ये वाला और मैंने बोला था जो टोटल है, वो कैसे आता है? ये ही में ये 5 रुपीज प्लस 5 रुपीज हो जाता है। तो टू हंड्रेड प्लस फाइव प्लस फाइव टू हंड्रेड प्लस फाइव टू हंड्रेड एंड फाइव टू हंड्रेड एंड फाइव प्लस और फाइव टू हंड्रेड टेन देखो ये, टोटल क्या है टू हंड्रेड एंड टेन तो उसका फॉर्मुला क्या बना टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी ये दोनों अलग अलग जीएसटी स्प्लिट किया है इधर इसलिए दोनों अलग ऐड किया साथ में होता तो साथ में प्लस करते ठीक है तो टैक्सेबल अमाउंट में जीएसटी ऐड कर दिया तो आपको टोटल वैल्यू मिलता है ओके यही फॉर्मूला हमने यूज किया मैं सारे फॉर्मूले का एक बार लिस्ट दे दूंगा आपको आ गया ये और बच्चों ये ना फॉर्मूले समझने से अच्छा फॉर्मूला रट्टा मारने से अच्छा लॉजिक समझो इट इज जस्ट लाइक टू प्लस टू इक्वल टू फोर वैसा ही लॉजिक है अगर टोटल वैल्यू निकालना है तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी करोगे तो ही टोटल वैल्यू मिलेगा और कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट आपके जो नेम्स है वेरिएबल्स को कितने सिंपल है टोटल वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू है जीएसटी है एस जी एस टी है सी जी एस टी है बस पांच छह ऐसे नंबर नेम्स है जो आपको समझने और एक बार समझ गए तो फॉर्मूले तो इजीली समझ जाओगे ठीक है तो ये रफ में मैंने आपको बता दिया अब इसको फेयर में करते हैं देखो कैसे आएगा थोड़ा छोटा आएगा बिकॉज इतने सारे स्टेप्स में नहीं बताने वाला इतना सिंपल सोल्यूशन आएगा इसका देख लो एक बार सबसे पहले लिखेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड कार बी रुपीज एक्स ये सब लिख के बताना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स नहीं लिख सकते सब कुछ टीचर को बताना पड़ेगा कि क्या सोच के क्या लिया जो सोचा वही वर्ड्स में लिखना है ठीक है क्या लिखेंगे अरे वर्ड्स कैसे आएगा सर इंग्लिश इतना नहीं आता ये सब मत सोचो यार क्या सोचा एक्स क्या है टैक्सेबल वैल्यू तो लिख दो लेट टैक्सेबल वैल्यू भी रुपीज एक्स उसको कोई भी फॉर्म में लिख दो यार ऐसे एकदम घटिया ग्रामर में मत लिखना लेट रिमोट कंट्रोल ऑफ टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स ऐसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए बट ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है तो यहां पे कॉपी कर लिया अब वी नो दैट वी क्यों लिखते हैं बिकॉज टीचर को लगना चाहिए कि आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको तो पता ही है लेकिन टीचर को भी पता है कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड कार

मुझे एक्स निकालना है तो ये दोनों को वहां पे फेंक दिया फिर मैंने आपको कट करके ऑलरेडी बता दिया था क्या आ रहा था ये ये आ रहा था टू फाइव हजार फिर वन आया था टू नाइन हजार ये क्या आया था यह आया था आपके टू एटारिक्सटीन फिर वन बचा था फिर टू एट हजार सिक्सटीन फिर वन बचा टू फाइव हजार अब इसको फिर से कट करेंगे फिफ्टी नाइन वन हजार मैंने राइट साइड में टेबल करके बताया रफ में आपको और ये आया था फिफ्टी नाइन फिफ्टीन हजार फिर कुछ नहीं बचा देखो फिफ्टीन इंटू हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड इज फिफ्टी एक्स आपको 1500 मिल गया एक्स क्या था टैक्सेबल वैल्यू तो आपने लिख दिया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कारिटी हंड्रेड उसके बाद उसने पूछा है देखो ये हो गया सी जी एस टी और एस जीएसटी आपको जीएसटी पूछा ही नहीं है तो जीएसटी अगर एटीन परसेंट है तो सी जी एस टी एस जीएसटी क्या आएगा डिवाइड बाय टू उसका आधा टू वन जर टू नाइन नाइन परसेंट एटीन परसेंट का आधा नाइन परसेंट होता है ना तो यहां पे लिख दिया रेट ऑफ सी जी एस टीज इक्वल टू रेट ऑफ एस इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी टू ये दोनों सेम होते हैं हमेशा और क्या होता है उसका वैल्यू जीएसटी का आधा रेट ऑफ जीएसटी टू रेट ऑफ जीएसटी अठारह ऐसे का ऐसा आया जब इसको कट करोगे तो आएगा टू नाइन आपको आंसर मिला नाइन परसेंट ठीक है देखो नाइन अपॉन वन अब नाइन परसेंट कैलकुलेट करेंगे क्या है है रेट 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 ऑफ ऑफ उसने रेट नहीं पूछा उसने क्या पूछा CGST पूछा है मतलब amount. तो हम क्या बोलेंगे ये दोनों सेम होते हैं हमेशा क्योंकि स्टेट और सेंटर झगड़ेंगे ना नहीं तो दोनों को हमेशा इक्वल देते हैं इक्वल टू नाइन परसेंट ऑफ क्या आएगा नाइन परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू हमेशा टैक्स टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है कभी टेंशन आना ही नहीं चाहिए तो

तो फिफ्टी नाइन आ गया आपका काम हो गया सी भी मिल गया अमाउंट और एस भी मिल गया तो फाइनल आंसर क्या है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार इज हंड्रेड एंड सी जी एस टी एंड एस जी एस टी आर रुपीजन ईच है अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं मैंने यहाँ पे ये नाइन करके बता दिया इससे अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता था कि जीएसटी अठारह परसेंट है ना तो जीएसटी निकाल लो एटीन परसेंट ऑफ वॉट एटीन परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू 18 परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू मतलब 500, which is 18 upon 100 into 1500, सौ विच इज एटीन अपॉन हंड्रेड इंटू फिफ्टीन हंड्रेड ये जीरो के साथ जीरो कट 18 और 15 को मल्टीप्लाई करके आपको क्या आएगा 18 टेन हजार वन और एटीन फाइव हजार नाइनटी है ना? तो 180 एटी प्लस 90 आपका हो जाएगा 270. ये जीएसटी. तो सीजीएसटी और एस क्या होगा 270 का आधा तो 270 सेवेंटी डिवाइड बाई टू वन हजार टू टू थ्री हजार सिक्स टू फाइव टेन तो 135 आया तो उससे भी आपको दोनों का वैल्यू वन थर्टी फाइव आ जाएगा है ना तो वैसे करो या ऐसे करो सेम आने वाला है आंसर ठीक है मार्क्स नहीं कटेंगे आपको पहले जीएसटी निकाल लो अठारह परसेंट से फिर उसका आधा कर दो या फिर पहले अठारह परसेंट का आधा करो और फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालो क्योंकि जीएसटी निकालने के आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहे यहां पर पूछा ही नहीं है दान? चलो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझो कॉपी करो नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करो और ये क्वेश्चन अच्छे से देखो ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चलो करो कॉपी फटाफट से नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन सिक्स में दिया है टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी अब ये 1.5 टन एसी का एक टाइप है ये 1.5 आपको कहीं पे क्वेश्चन में यूज नहीं करना ठीक है एक एसी का टाइप होता है एक टन का एसी सी डेढ़ टन का एसी सी दो टन का एसी एसी का पावर जो होता है उसके हिसाब से होता है कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड विथ जी एस टी ठीक है ए सी का कॉस्ट भी दिया हुआ है रेट ऑफ सी जी एस टी ऑन ए सी इज फोर्टीन परसेंट सी जी एस टी फोर्टीन परसेंट है तो एस जी एस टी कितना होगा एस जी एस टी भी फोर्टीन परसेंट होगा हमको ये पता है देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इन वॉइस ऑफ टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स अब ये बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे ओरली हो जाएंगे छह क्वेश्चन पूछें लेकिन जब लिखोगे ना तब लिखना बहुत पड़ेगा लेकिन इसके मार्क्स भी अच्छे खासे मिलेंगे बिकॉज बहुत सारे सवाल पूछे हैं हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो इसमें से छे के जगह पे तीन सवाल पूछे जाए ठीक है लेकिन यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे छे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ एस ऐसे ही बता दिया मैंने पहले रेट ऑफ सी क्या है फोर्टीन परसेंट सी और एस जी जुड़वा भाई है दोनों इक्वल होते हैं तो अगर सी जी एस तो एस भी फोर्टीन परसेंट ही आएगा ओके okay? एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकोगे एग्जाम में कैसे लिखोगे वो मैं बताऊंगा ये तो मैं रफ में बता रहा हूं आपको तो ये फोर्टीन परसेंट हो गया नेक्स्ट है रेट ऑफ जीएसटी ऑन ए सी आपको सी जी एस टी पता है आपको एस जी एस टी पता है सी जी एस टी और एस जी एस टी तो जी एस टी के ही बच्चे हैं ना तो अगर मुझे जी एस टी निकालना है तो क्या आएगा दोनों बच्चों का सम फोर्टीन प्लस फोर्टीन विच इज ट्वेंटी एट परसेंट तो ये आ जाएगा ट्वेंटी एट परसेंट अगर सिर्फ जीएसटी दिया होता और उससे एस जी एस टी और सी जी एस टी निकालना होता तो क्या करते हैं ट्वेंटी टू टू फोर्टीन, तो फोर्टीन, फोर्टीन, फोर्टीन ओके निकालना नहीं है बट अगर पूछा होता तो, तो रेट ऑफ जीएसटी कैसे निकाला इन दोनों को एड करके क्योंकि ये दोनों उसके बेटे हैं जुड़वा बेटे है. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी अब थोड़ा करना पड़ेगा लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही टैक्सेबल वैल्यू पूछा था तो यहां पे आपको पता है कि टैक्सेबल वैल्यू तो आप आराम से निकाल लोगे क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है विथ जीएसटी ठीक है ये फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था 1770 याद है क्या था ना 1770 ये देख लो टोटल वैल्यू विथ जीएसटी इज 1770 तो आपने क्या दिया आपने क्या था टैक्सेबल वैल्यू एक्स फिर ये वाला टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू टोटल यही यूज करके यहां पे करना है तो आपको टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता है तो अपन क्या बोलेंगे भाई? तुझे X लेते हैं। टेंशन मुझे टोटल वैल्यू मिलेगी फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड क्योंकि ठीक है टैक्सेबल है? वैल्यू प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगाया उसका वैल्यू दिया है ये अब जीएसटी क्या है जीएसटी तो अभी कैलकुलेट किया सेकंड में ट्वेंटी एट परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट किसका ट्वेंटी एट परसेंट टैक्सेबल वैल्यू का टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो है एक्स वही हमको फाइंड करना है सेम फिफ्थ क्वेश्चन है ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ना ये फिफ्थ क्वेश्चन जैसे पूरा सॉल्व करना है ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स प्लस जीएसटी कितना है ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ किसका एक्स ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू विच इज फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एक्स प्लस ट्वेंटी एट परसेंट मतलब ट्वेंटी एट अपॉन हंड्रेड इंटू एक्स ऑफ मतलब इनटू ना इक्वल टू फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो हंड्रेड इंटू एक्स हंड्रेड एक्स प्लस ट्वेंटी हंड्रेड एक्स प्लस ट्वेंटी मिल जाएगा हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये वन ट्वेंटी एट और हंड्रेड को भगा दो वहां से तो हंड्रेड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकेट है इन टू हंड्रेड अपॉन नीचे आ जाएगा, 128. अब इसको कट कर दो एकदम सिंपल कट है ये यह तो यहाँ पे टू सिक्स टू फोर जार एट इधर आएगा टू टू जार फोर वन रिमाइंडर टू फाइव जार टेन वन रिमाइंडर टू सिक्स जीरो जीरो हंड्रेड को मत कट करना इजीली कट होता है ना बाद में हो जाके अभी यारिक्सटी फोर एट में जाता है एट में जाता है देखो अच्छे से तो एट एट हज़ार सिक्स फोर आ जाएगा एट थ्री हजार ट्वेंटी फोर वन बचा एट टू हजार सिक्सटीन जीरो जीरो वापस एट में जाता है दोनों एट वन हजार एट येगा एट फोर हजार थर्टी टू जीरो जीरो फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड क्या होता है भाई फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड होता है फोर्टी थाउजेंड रुपीज तो ये आ गया अपना एक्स टैक्सेबल वैल्यू आ गया फोर्टी थाउजेंड ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है ठीक है कट आप कैसे भी कर सकते हो मेन है ये वाली लाइन टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी लगाया उससे मुझे टोटल प्राइस मिलता है ओके? Okay? तो हमने टैक्सेबल वैल्यू क्या निकाल लिया 40, रुपीज. तो यहां पे X क्या आ आ गया 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 अपना, अपना अपना तो ये भी सॉल्व हो तो तो ये परसेंटेज आपको निकालने आता है कि नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं जीएसटी कैसे निकालते हैं वो पूछ रहा है वो तो आपने पहले चार क्वेश्चंस किए हैं तो 28 टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा 28 ऑफ 40,000 ये खुद कैलकुलेट करेंगे मैं जब फेयर में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा लेकिन ये आप खुद कैलकुलेट करके अभी के अभी कमेंट्स में बताओ मुझे जाके मत दिखाओ कि बाद में कर लेंगे अरे सोल्यूशन देख के कर लेंगे बाद में कुछ नहीं होता जो होता है अभी होता है बाद में सब भूल जाओगे और अभी खुद से सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है ये कॉन्सेप्ट ऐसे करते हैं इसको ठीक है तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी फटाफट से कैलकुलेट करके कमेंट्स में बताओ और मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ आपका हो सकता है हर एक कमेंट पे रिप्लाई ना दे पाऊं लेकिन मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं जाके। तो आप जब भी कमेंट करते हैं मुझे समझ में आता है कि अच्छा मैं जो आपको दे रहा हूँ आप खुद से ट्राई कर रहे हैं और आपको आ भी रहा है नहीं आया तो टेंशन नहीं है लेकिन जब भी आता है तो मुझे देखकर खुशी होती है कि यार इतना सब मेहनत करके वीडियो बनाया तो किसी के तो काम आ रहा है किसी को समझ में तो आ रहा है बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं खाली स्कूल के एग्जाम के नोट्स कंप्लीट करने के लिए मत यूज करो वीडियो समझो कॉन्सेप्ट को ठीक है फिफ्थ में पूछा है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी सीजीएसटी का रेट क्या था भाई फोर्टीन परसेंट फोर्टीन परसेंट कैलकुलेट करने से अच्छा जो भी अमाउंट ऑफ जीएसटी यहां पे मिला है फोर्थ में उसका हाफ कर दो सीजीएसटी तो जीएसटी का आधा ही होता है ना तो यहां पर अगर हंड्रेड मिला था तो हंड्रेड का हाफ कर दो कितना आ जाएगा फिफ्टी तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी हो जाएगा फिफ्टी हंड्रेड आया नहीं है बट मैं बोल रहा हूं आपको जो भी आया इधर उसका हाफ कर दो सिक्स में पूछा अमाउंट ऑफ एस भाई ये जो आया सेम इधर आएगा ना सीजीएसटी एसजीएसटी तो जुड़वा भाई है तो फिफ्थ और सिक्स तो फ्री में हो गए एक क्वेश्चन में दो आंसर मिल गया आपको आया समझ में खत्म ये क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा था लेकिन इसमें मेन क्या था ये फर्स्ट दो तो टाइम तो पास थे ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट आपने फिफ्थ क्वेश्चन में यूज किया था अब भी जस्ट एक पहले ठीक है यही एक्स प्लस जीएसटी तो ये काफी सिंपल है क्वेश्चन बड़ा दिखता है इसलिए डरावना लगता है अलग अलग नाम देखकर ए सी की बात कर रहा है ठीक है अगर मैं यहाँ पे गाड़ी लिखूं और लिखूं 1200 सीसी कार तो आप क्या 1200 थाउजेंड टू हंड्रेड यूज कर लोगे अरे गाड़ी का इंजन का साइज है वो जीएसटी से इसमें दिखेगा कहां पे? ठीक है ऐसे तो जीएसटी गाड़ी के पावर पे डिपेंड करता है लेकिन वो भी आप जब कॉमर्स करोगे आगे जाके टैक्स भरोगे तब आपको समझ में आएगा यहां पे आपको उसका कुछ सोचने का जरूरत नहीं है चलो अब देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे तो ऐसा आएगा सोल्यूशन फेयर में और हो सकता है फेयर में मैं कुछ क्वेश्चन अब कराऊं तो रफ में जो मेथड यूज किया उससे अलग मेथड यूज करूं आपको अगर चाहिए तो आप रफ में जो सिखाए वो मेथड यूज कर लो मैं अलग अलग मेथड इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या है स्कूल में जब ये चैप्टर करते हैं तो उनकी टीचर हर एक स्कूल में सेम मेथड धुलना होगा यार तो कुछ टीचर्स अलग मेथड यूज करती है फिर वो ये मेथड देख के बोलते हैं अरे यार ये तो रॉन्ग है यार मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं आपने एक मेथड किया टीचर ने कुछ और किया मैंने कुछ और सिखाया अगर कॉन्सेप्ट राइट है अगर कैलकुलेशन राइट है लॉजिक राइट है तो मेथड राइट है फालतू का मेथड नहीं चलेगा वैसे आप कॉपी करके आगे वाले का आंसर देख लो और कुछ भी खुद का मेथड बना दो और बोलो यह आंसर है तो नहीं चलेगा लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए ना ठीक है तो आपको लॉजिक देना है वहां पे तो लॉजिक सही होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे चलो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता है रेट ऑफ एसजीएसटी सबसे पहले पूछा था क्या लिखेंगे रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी क्योंकि सीजीएसटी दिया हुआ है क्वेश्चन में फोर्टीन परसेंट तो इक्वल टू फोर्टीन परसेंट तो आपका पहला क्वेश्चन डन सेकेंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी क्या होगा इट बी रेट ऑफ सी जी एस टी प्लस रेट ऑफ एस जीएसटी है ना जीएसटी मतलब दोनों टैक्सेस का मिला के टोटल जीएसटी बनता है ना कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया और स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया तो दोनों का वैल्यू फोर्टीन परसेंट प्लस फोर्टीन परसेंट है विच इज ट्वेंटी एट परसेंट सेकेंड क्वेश्चन भी फ्री में डन चार लाइन में दो क्वेश्चन हो गए ठीक है नेक्स्ट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी दिस इज लाइक फिफ्थ क्वेश्चन तो हमको टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में हमको क्या दिया है टोटल वैल्यू क्या कितने में एसी पड़ा ठीक है कितने में एसी उसने दिया तो हमने ले लिया ऑफ वैल्यू ऑफ एसी रूपीज एक्स फिर हमको पता है कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी प्लस टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड यहां हैं ताकि टीचर को अच्छा लगे वी नो दैट यू ऑल्सो नो टीचर ऑल्सो नोज सो वी राइट वी नो दैट तो टैक्सिबल वैल्यू ऑफ एसी प्लस टोटल टोटल अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ जीएसटी 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 वैल्यू हमने लिया है है एक्स so, और क्या तो मत डालो नेक्स्ट ये दोनों को ऐड करके आपको मिला वन टी एट अपॉन हंड्रेड एक्स इक्वल टू दोनों को वहां फेंक दो ऐसे फेंका फिर इसको सॉल्व किया ये कट करके मैंने ऑलरेडी आपको रफ में बताया हुआ है ठीक है ये इनको कट किया था आपको चाहिए ना तो इसको ऐसे लिख दो ये फिफ्टी वन टू हंड्रेड ऊपर लिखो ऐसे ठीक है और ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा बड़ा कर दो ओके और ये वन ट्वेंटी एट को नीचे लिख दो कंफ्यूजन नहीं चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे ये वन ट्वेंटी एट नीचे जा रहा है और ये हंड्रेड ऊपर आ रहा है देखो यहाँ पे ऊपर जाएगा वन ट्वेंटी एट नीचे जाएगा अब इसको सॉल्व करो कट करोगे तो आपको आंसर आता है आपका काम खत्म अब वो रहा है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या अब मैंने आपको बोला कि जीएसटी टोटल रेट क्या है ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी किसपे लगता है टैक्सेबल वैल्यू पे तो आप ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ फोर्टी थाउजेंड निकालो या फिर ये वाला फॉर्म्यूला तो ऑलरेडी लिखा है ना वट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इट इज नथिंग बट अभी निकाला तो ये सेम फॉर्मूला यूज करके इधर ये तो पता है इसके जगह पे फोर्टी थाउजेंड यूज किया तो ये मिल जाएगा ना टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी वही तो पूछा है उसने तो अगर परसेंटेज निकालने बोर हो रहा है और प्लस माइनस करना है तो ये सेम येलो कलर वाला फॉर्मूला यूज कर लो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए फोर्थ क्वेश्चन के लिए है ना तो क्या आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए सी प्लस टोटल अमाउंट फिफ्टी वन टू हंड्रेड ये तो हमने अभी किया था टैक्सेबल वैल्यू अभी हमको पता है फोर्टी थाउजेंड ये हमको नहीं पता है ऐसे का ऐसा लिखा ये ऐसे लिख दिया अब मुझे ये चाहिए तो इसको ऐसे ही रखा ये जो फोर्टी थाउजेंड उसको उधर फेंका यहाँ पे ये प्लस है वहां जाके हो जाएगा माइनस फिफ्टी वन टू हंड्रेड में से फोर्टी थाउजेंड माइनस किया तो मिलेगा एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या आ गया था टू हंड्रेड है ना टाइम पास परसेंटेज नहीं निकालना पड़ा लेकिन परसेंटेज निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा और तो भी आपको करेक्ट मिलेगा और फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है दोनों में से कोई भी मेथड करो मैंने आपको क्या बताया था ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ फोर्टी थाउजेंड ठीक है देखो ट्वेंटी एट परसेंट मतलब ट्वेंटी फोर हंड्रेड ये फोर्टी थाउजेंड जीरो जीरो कट जीरो जीरो ट्वेंटी एट फोर कितना होता है थर्टी होता है वन ट्वेंटी तो उसमें से एट निकलेगा तो बचेगा हंड्रेड एंड ट्वेल्व और ये दो जीरो आएंगे इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड देखो दोनों में सेम आंसर आ रहा है आपको लगता है ये इजी है तो ये कर लेना ओके व्हाट इज अमाउंट ऑफ सीजीएसटी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो उसने पूछा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी व्हाट इज अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इट इज हाफ ऑफ जीएसटी तो हाफ ऑफ जीएसटी कितना था एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड देखो यहीं पर कैलकुलेट किया अब इसको कट करके देखो क्या आएगा अगर मैं इसको कट करूंगा तो मुझे मिलेगा टू वन जार टू और ये मिल जाएगा टू फाइव जार टेन वन रिमाइंडर टू सिक्स जार ट्वेल्व टू जीरो जीरो टू जीरो जीरो तो मिलेगा मुझे फिफ्टी सिक्स हंड्रेड

यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिर से आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट पेज है ये भी वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी कर लो हो गया आया ना समझ में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना लिखोगे नहीं तो जीएसटी वाले क्वेश्चंस कभी आपसे सॉल्व ही नहीं होने वाले और सोल्व एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन है ट्राई करोगे खुद से करना सोल्यूशन मत देखना खुद से करना मैं आगे जाके सॉल्ट एग्जाम्पल्स के भी वीडियोस डालने वाला हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सॉल्ट एग्जाम्ल्स में से एग्ज़ाम में आता है और हमें नहीं समझ में आ रहा है सोल्यूशन तो जब एक बार पोर्शन खत्म हो जाएगा तो सॉल्ट एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम लोग ठीक है चलो सेवंथ क्वेश्चन पे जाते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में दिया है प्रसाद परचेज वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कोई तो एक दुकान है उसने वहाँ से वॉशिंग मशीन लिया देते लिख देते दे तो मतलब ऐसे लिखते ना, 40, 000, फिर उसको ऐसे बड़ा क्रॉस मारेंगे और बोलेंगे नहीं यार तुमको हम दे रहे हैं ये फाइव परसेंट डिस्काउंट पे और छोटा सा डिस्काउंट देखिए अलग प्राइस लिख देंगे यहाँ पे हो सकता है प्राइस है थर्टी थाउजेंड ये बड़ा डिस्काउंट दे दिया मैंने बट ऐसे देते ना इसको काट के ऐसे बताते हैं और बाजू में लिखते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है ठीक है अब ये कितना ये 40 से 30 तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है लेकिन ऐसे कुछ तो प्राइस होगी कुछ तो प्राइस है उस पर फाइव परसेंट डिस्काउंट इन लोग ने बेचा रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज ट्वेंटी एट परसेंट बच्चों याद रखो जीएसटी जो है टैक्स जो है वो टैक्सेबल वैल्यू पे ही लगता है ये फोर्टी जो प्रिंटेड प्राइस है ना इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा जीएसटी लगेगा 5 जो इस डिस्काउंट मिला ना उसके बाद जो प्राइस हुई उसके ऊपर नहीं तो तो ऐसे होता है कुछ चीजों की प्राइस ये ये लोग इतनी जानबूझकर बढ़ा देते हैं बोलेंगे अरे ये तो लाख रुपए का मशीन है लेकिन हम आपको बीस हजार में दे रहे हैं ठीक है प्रिंटेड प्राइस कुछ भी देते हैं लोगों को बहुत खुशी होती है अरे बाप रे इतना बड़ा डिस्काउंट लेकिन चूना लगा रहे हैं आपको एम इतनी बड़ा बड़ा के देते हैं और फिर बोलेंगे हम तो डिस्काउंट दे रहे हैं ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ड ये सब जगह बहुत होता है ठीक है तो अगर जीएसटी अगर ऐसा होता कि लाख रुपए का मशीन है उसके ऊपर डिस्काउंट देके ये सिर्फ पांच रुपए की चीज बेचे तो जीएसटी इसके ऊपर लगेगा क्या भाई इसके ऊपर अट्ठाइस परसेंट जीएसटी लगाओगे ना तो अट्ठाइस हजार का जीएसटी आएगा और चीज तो पांच रुपए की थी मतलब अट्ठाईस हजार प्लस पांच रुपए आपकी प्राइस हो जाएगी ऐसे तो नहीं होता ना जीएसटी हमेशा जो टैक्सेबल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट जो होता है उसके ऊपर लगती है ठीक है तो डिस्काउंट फाइव दिया फोर्टी पे तो आपको पता है कि फाइव परसेंट कैसे निकालेंगे फोर्टी थाउजेंड का डिस्काउंट माइनस करेंगे ना उसमें से तो हम लोग माइनस कर सकते हैं पर आगे बढ़ते हैं पहले फिर वो देखेंगे रेट ऑफ जीएसटी चार्ज बोर्ड ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी का रेट दिया हुआ है फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ठीक है आपने वॉशिंग मशीन के कितने पैसे दिए वो आपको फाइंड करना है ऑलसो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एस जीएसटी शोड इन दैक्स एक बार जीएसटी निकाल लिया तो आपको पता है सीजीएसटी एसजीएसटी तो हाफ करके मिल जाएगा लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये ये जो डिस्काउंट दिया क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट को हमें इसमें से माइनस करना है अमाउंट okay? तो है, है वो निकालते हैं। परसेंटेज फोर्टी थाउजेंड रुपीज फाइव परसेंट ऑफ मतलब फाइव अपॉन हंड्रेड करेक्टेंट इन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई फोर्टी थाउजेंड जीरो के साथ जीरो कर्ट ये जीरो के साथ जीरो कट फाइव फोर हजार ट्वेंटी और ये दो जीरो फ्री में तो डिस्काउंट दो हजार रुपये का मिल रहा है ठीक है तो अगर प्रिंटेड प्राइस फोर्टी थाउजेंड तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी टैक्सेबल वैल्यू होगी जो भी ये फोर्टी थाउजेंड लिखा हुआ था प्रोडक्ट के बॉक्स पे उस पर दो हजार का डिस्काउंट मिला तो मुझे टोटल प्रिंटेड प्राइस में से कितना भरना पड़ा थर्टी एट थाउजेंड अगर मुझे थर्टी एट थाउजेंड पे ही अगर लेना है तो वो टैक्सेबल वैल्यू आ गई ना जीएसटी तो इसके ऊपर ही लगेगा चालीस हजार तो उसने टाइम पास के लिए खाली प्रिंट करके रखा था बॉक्स के ऊपर ठीक है मुझे थर्टी एट थाउजेंड में दे रहा है लेकिन थर्टी एट थाउजेंड तो खाली टैक्सेबल वैल्यू होगी इसके ऊपर मुझे जीएसटी भी भरना जीएसटी कितना है रेट ऑफ जीएसटी चार्जेस ट्वेंटी एट परसेंट तो जीएसटी निकालो ट्वेंटी एट परसेंट टैक्सेबल वैल्यू थर्टी एट थाउजेंड है उसका ट्वेंटी एट परसेंट निकालेंगे करेक्ट तो फटाफट फड़ से कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या आ जाएगा अगर मुझे अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है इट विल बी ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ट्वेंटी एट परसेंट मतलब ट्वेंटी एट अपॉन हंड्रेड इन टू वैल्यू कितना है थर्टी एट थाउजेंड फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करो आया क्या नहीं कर रहे ना करो जल्दी देखो इसको सॉल्व करना है तो ये जीरो के साथ ये जीरो कट ये जीरो के साथ ये जीरो कट ट्वेंटी एट इंटू थर्टी एट ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा रफ में है ना एट एट हज़ार सिक्सटी फोर एट थ्री हज़ार ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स थर्टी टू एट हज़ार सिक्सटी टू थ्री हजार एड किया फोर सिक्स एन प्लस थ्री टेन वन जीरो सिक्स फोर साथ में ये जीरो मत भूलना वन जीरो सिक्स फोर जीरो मतलब थर्टी एट थाउजेंड के टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी कितना लगा टेन थाउजेंड सिक्स फोर्टी ये भी देना पड़ेगा ऐसे नहीं बोल सकते घर पे जाके अरे मम्मी वॉशिंग मशीन थर्टी एट थाउजेंड का मिला खाली थर्टी एट नहीं मिलेगा ना भाई आपको थर्टी एट थाउजेंड के साथ हजार छह सौ चालीस तो आप क्या बोलेंगे वॉशिंग मशीन कितने में पड़ा वॉशिंग मशीन आपको थर्टी एट थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड सिक्स फोर्टी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों तो को एड करके आपको मिलेगा तो आप घर पे जाके बोल सकते हैं कि भैया हमें वॉशिंग मशीन इतने का थर्टी एट थाउजेंड और टेन थाउजेंड एड करोगे तो आएगा एट थाउजेंड येगाचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन तो नेक्स्ट स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे इसको और इसको ऐड करके उसके बाद पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एस जी एस टी भाई अगर जीएसटी पता है टेन थाउजेंड सिक्स फोर्टी तो सी जी एस टी क्या आएगा इसका हाफ टू फाइव टूज सिक्स टू टूज फोर टू जीरो और एस जी एस टी भी फाइव थ्री टू जीरो खत्म यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था कि भाई पहले जो डिस्काउंट मिला वो कितना है वो हम लोग क्या यूज करेंगे उसको यूज करेंगे टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने में जो चालीस हजार हो फालतू का प्राइस प्रिंट करके रखा है उसके ऊपर दो हजार का डिस्काउंट दिया तो यह आया इसके ऊपर हम टैक्स भरेंगे क्योंकि ये है टैक्सेबल वैल्यू ठीक है और टैक्स कैसे निकालेंगे

एक्चुअली रेट काफी लोग ऐसे भी लिखते हैं कि पर आइटम का रेट क्या है बट जनरली हम परसेंटेज में देते हैं यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइव परसेंट ऑफ वॉट डिस्काउंट किसके ऊपर मिला जो प्रिंटेड प्राइस है उसके ऊपर ही डिस्काउंट मिला ना ऐसे ही टाइम पास किसी भी चीज़ का नहीं होता तो फाइव परसेंट ऑफ प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन फाइव परसेंट मतलब फाइव और हंड्रेड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन है फोर्टी थाउजेंड इसको मैंने आपको सॉल्व करके ऑलरेडी बता दिया है क्या आया था ये जीरो के साथ जीरो कट ये जीरो के साथ ये जीरो कट आपको मिलेगा फाइव फोर जार ट्वेंटी और ये दो जीरोज

टैक्सेबल वैल्यू तो अमाउंट ऑफ जीएसटी जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ठीक है ट्वेंटी एट परसेंट मतलब ट्वेंटी एट वन हंड्रेड इसको सॉल्व करके मैंने आपको रफ में भी बताया था यहाँ पे मैंने फिर से आपको रफवक रफ में कैलकुलेशन दिया है इसको सॉल्व करके आपको आया वन जीरो सिक्स फोर जीरो क्या है जीएसटी मुझे अगर परचेस प्राइस घर पे मुझे क्या बताना है कि भाई मैं इतने पैसे दे के आए दुकान वाले को वही प्राइस होती है ना वॉशिंग मशीन में मैं आप घर पे थोड़ी ना ऐसे बोलोगे अरे मैंने दो सौ रुपया दिया हाँ ऊपर से मैंने उसके ऊपर अस्सी रुपया टैक्स भी दिया आप ऐसे बोलोगे दो सौ अस्सी रुपया दिया दैट इज दर्चेस प्राइस में खरीदा तो purchase price of washing machine क्या होगा जो भी taxable value है, plus GST, 38, plus 10, ये दोनों को एड करके आपको मिला फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स तो ये हो गई आपकी परचेज प्राइस इतने में खरीदा आपने वॉशिंग मशीन ठीक है बहुत लोग ऑनलाइन ऐसे ही करते हैं आपको बताएंगे प्राइस खाली अट्ठाईसो रुपया लेकिन बाद में जाके ऐड टू कार्ट करेंगे बाय करेंगे तो अट्ठाईस का सीधा साढ़े तीन हज़ार हो जाता है क्यों बिकॉज जीएसटी नहीं बताते वो लोग बोलते जीएसटी आगे एड करेंगे अगर आपने पहले से ही ज्यादा प्राइस देखा तो आप बाय नहीं करेंगे ना इसलिए बहुत लोग ये करते हैं कि जीएसटी बाद में बताएंगे ठीक है कुछ अच्छी वेबसाइट है जो जीएसटी पहले से बता देती है कुछ अच्छे दुकान वाले होते हैं वो भी जीएसटी पहले से बता देते हैं कि भाई टोटल आपको इतने में पड़ेगा लेकिन मैक्सिमम लोग पहले आपको खाली प्राइस बताते हैं जीएसटी आगे जाके बिल बनेगा तब देखते हो अरे इतना बिल कैसे हो गया है ना तो हमने परचेज प्राइस कैलकुलेट कर लिया नेक्स्ट पूछा है उसने फाइंड द अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ एंड भाई अमाउंस पता है ना अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी पता है तो अमाउंट ऑफ सी जीएसटी और एस जीएसटी क्या होगा इसका आधा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अमाउंट ऑफ सी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एस इक्वल टू अमाउंट ऑफ जी एस टी अपन टू आधा करना मतलब डिवाइड बाई टू करना जीएसटी कितना था टेन थाउजेंड सिक्स फोर्टी वो यहाँ पे लिख दिया नीचे टू है तो टू लिख दिया दिख रहा है ना इसके जगह पे लिख दिया ये टू के जगह पे टू इसको जब कट करके सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको रफ में बताया टू वन हजार

कर लिया कॉपी आया समझ में एंड ये इसका फाइनल आंसर है फाइनल आंसर में आप ऐसे सोचेंगे अरे सर आपने प्रसाद का नाम नहीं लिखा लिख दो यार अगर आपको लिखना है प्रसाद तो यहां पे लिखना द फाइनल या फिर प्रसाद परचेज द वॉशिंग मशीन फॉर रूपी इज दिस वो कैसे लिखते हो आपके ऊपर है कैसे लिखते हो आपके ऊपर है वैसे लिखा तो भी मिलेगा प्रसाद लिखो तो भी फुल मार्क्स मिलने वाला है ठीक है तो ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है खत्म तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन एंड इसी के साथ प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट वन हमारा होता है खत्म कैसा लगा प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट वन आया समझ में अच्छे से अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो व्हाट्सएप पे ताकि उनको भी समझ में आए कि जीएसटी सी जी ये सब कितना ईजी है यार इतना डिफिकल्ट नहीं है और ये नॉलेज आपको लाइफ में आगे काम आने वाली है बिकॉज बिल तो भरने हैं भाई अभी तो आपके पेरेंट्स भर रहे हैं लेकिन आगे जाके आप बिल भरेंगे तो आपको बिल समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा आ रहा है ठीक है नहीं तो लोग उल्लू बना देंगे आपको तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू नहीं किया है तो देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसके बाद जो है बेलाइक भी है सब्सक्राइब कर दो बेलाइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें मैं बीच बीच में सॉल्ट एग्जाम्पल्स के वीडियोस और पेपर्स के वीडियोस डालते रहूँगा तो अगर आप सब्सक्राइब हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको वीडियो देख पाएंगे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम आई भी मिल जाएगा आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो